हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के प्लस पार्ट। इससे पहले का जो वीडियो लेक्चर था उसमें आपको बताए थे करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है विथ एग्जांपल। अगर जो अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले वो वीडियो देख ले, बिकॉज आज का जो वीडियो लेक्चर है उसी पे बेस्ड है। ये वीडियो लेक्चर आपको विद्यार्थी तभी समझ में आएगा जब इसकी पहला का जो वीडियो लेक्चर है करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वाला, वो अगर जो आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आज का वीडियो लेक्चर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आज आपको बताएंगे ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड स्ट्रेंथ। अब देखिए विद्यार्थी, वहां जो हम टेस्ट करते थे, वहां पर क्या करते थे कि हम सैंपल को लेते थे और उसका क्यूब बनाते थे। मान लीजिए आप 100 क्यूब तैयार किए हैं, ठीक है, और इसको क्या है CTEM मतलब कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में इसका टेस्ट किए, तो यहां से जो रिजल्ट आया आपका स्ट्रेंथ का, उसको आप कहीं नोट कर लीजिए। मान लेते हैं कि 5 जो आपका क्यूब था इसका स्ट्रेंथ आपका सेम वैल्यू आ गया, मान लीजिए कि 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया। तो यहाँ देखिए 5 क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी, यानी 5 क्यूब्स आपका जो है उसका सेम रिजल्ट आया कितना, 50। तो अब देखिए यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी आ रहा है और जो आपका स्ट्रेंथ आ रहा है, दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो आप जब ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा तो आपका ग्राफ में जो कर्व आएगा वो इस प्रकार से आएगा। ये जो आपका ग्राफ विद्यार्थी फ्रीक्वेंसी और स्ट्रेंथ के बीच में, अब देखिए यहाँ आपको क्या बताया था करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए कि 5% से रिजल्ट आपका क्या है, ज्यादा फेल नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं कि इतना जो रिजल्ट है आपका 5% है और इतना जो आपका रिजल्ट आया जो वो 95% है। तो देखिए विद्यार्थी, जहां से आपका क्या है 5% जो आपका रिजल्ट आया यहाँ तक, इसके बाद जस्ट जो वैल्यू आएगा स्ट्रेंथ को, उसको क्या बोलेंगे, FCK, यानी कि करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जिसको FCK से सूचित किया जाता है। उसके बाद देखिए जो इसमें मैक्सिमम आपका रिजल्ट आएगा उसको बोला जाता है FM और इसको बोला जाता है मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। FM को बोला जाता है मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, या तो इसका दूसरा नाम है टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। FCK क्या है विद्यार्थी, करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। उसके बाद देखिए विद्यार्थी, इसका जो आपका डिस्टेंस होता है स्ट्रेंथ का, वो होता है 1.65 सिग्मा। यहाँ सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये क्या होता है विद्यार्थी, आपको बताते हैं। पहले इस ग्राफ में जो जो आपका रिजल्ट होता है, फॉर्मूला होता है, उसके बारे में आपको बताते हैं। FCK समझ गए, FM समझ गए, और ये डिस्टेंस जो आपका होता है 1.65 सिग्मा। अब देखिए विद्यार्थी, इतना जो आपका डिस्टेंस है 1.65 सिग्मा है, अगर जो इसको हम हाफ करते हैं, यानी कि बीच में अगर जो आएगा कोई पॉइंट, तो वो क्या कहलाएगा, एफ एवरेज। तो अब देखिए इसका एफ एवरेज जो है, इसको एफ AVG से सूचित करते हैं। तो देखिए विद्यार्थी, FCK क्या होता है, आपको समझ में आ गया, एफ एवरेज क्या होता है, ये दोनों के बीच में जहां जो आपका वैल्यू आएगा उसको क्या बोल देंगे, एफ एवरेज, और जो मैक्सिमम आपका वैल्यू आता है उसको बोलते हैं FM, मतलब क्या, मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अब देखिए तीनों का फॉर्मूला क्या होता है विद्यार्थी, उसके बारे में आपको बताते हैं। अब देखिए विद्यार्थी, FCK मतलब करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। मान लेते हैं कि M30 का कोई आपके पास कंक्रीट है, तो यहाँ 30 इसका क्या हो जाएगा, FCK हो जाएगा, यानी कि FCK बराबर कितना हो जाएगा, 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये हो गया FCK। अब देखिए आपको FM निकालना है, ठीक है, तो FM के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, FCK प्लस 1.65 सिग्मा। ऐसे भी सोचिए विद्यार्थी कि FM हमको निकालना है, तो इतना जो वैल्यू है इतना में अगर जो ऐड कर देते हैं तो टोटल आपका वैल्यू निकल जाएगा। इतना वैल्यू कितना है FCK, और इतना जो वैल्यू आपका कितना है 1.65 सिग्मा। तो अगर जो इतना और इतना जोड़ देते हैं तो आपका वैल्यू निकल जाता है FM का। तो वही FM बराबर लिखें FCK प्लस 1.65 सिग्मा। अब देखिए F एवरेज निकालना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल जो आपका था कितना 1.65 सिग्मा, अगर जो इसको हाफ कर देते हैं तो इतना वैल्यू निकल जाता है, तो जो वैल्यू इतना आएगा और उसको FCK में जोड़ देंगे तो वो आ जाएगा आपका एफ एवरेज। तो देखिए एफ एवरेज में क्या लिखें, FCK यानी इतना और प्लस हाफ में जितना आएगा उतना, तो हाफ करेंगे तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 1.65 सिग्मा को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 0.825 सिग्मा। अब देखिए ये जो आपका फॉर्मूला आ गया एफ एवरेज के लिए, तो देखिए विद्यार्थी एफ एवरेज क्या होता है, FM क्या होता है, FCK क्या होता है, तीनों आपको निकालने के लिए बताए हैं। अब देखिए मैंने यहाँ सिग्मा है, सिग्मा का वैल्यू कैसे निकलेगा इसके बारे में बताते हैं। तो देखिए विद्यार्थी, इसको निकालने के लिए दो मेथड है। फर्स्ट मेथड होता है विद्यार्थी सिग्मा बराबर √σ ब्रैकेट में xi − x̄ का होल स्क्वायर बटे n − 1। अब देखिए यहाँ xi क्या है विद्यार्थी, x̄ क्या है, n क्या है, n जो है विद्यार्थी हम कितना क्यूब बनाए, मान के लिए क्यूब हम 100 बनाए तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा,
100, और यक्स आई जो है विद्यार्थी यहाँ आई बराबर 1 से स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाना है 100 तक, और यक्स बार जो है आपका जितना भी रिजल्ट आएगा उसका क्या करेंगे एवरेज निकालेंगे, तो यक्स बार आएगा। तो देखिए यहाँ सिग्मा का जो वैल्यू निकलेगा आपको इस फॉर्मूला से। दूसरा आपका फॉर्मूला है विद्यार्थी आईएस कोड के अनुसार जो दिया गया है कि M10 और M15 का जो कंक्रीट रहेगा उसके लिए सिग्मा का वैल्यू होता है 3.5, और M20 और M25 जो होता है आपका कंक्रीट उसके लिए सिग्मा का वैल्यू होता है 4, और M30 और इससे ऊपर का जो भी ग्रेड रहेगा कंक्रीट का उसका वैल्यू होगा आपका सिग्मा का 5। तो देखिए यहाँ फर्स्ट मेथड क्या होता है विद्यार्थी, सेकेंड मेथड क्या होता है, दोनों के बारे में आपको समझा दिए। तो देखिए आपको यहाँ एफ सी के रहे, एफ एम रहे या एफ एवरेज रहे, तीनों का फॉर्मूला बता दिए हैं आपको। जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा उस प्रकार से उसका आंसर आप दीजिएगा। अब देखिए विद्यार्थी इसमें कुछ कर्व है उसको आपको समझाते हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना है एक बात, क्वालिटी ऑफ कंक्रीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है 1/डेविएशन इन ग्राफ, यानी कि बोला जाए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है आपका डेविएशन इन ग्राफ के, यानी कि जितना ज्यादा आपका डेविएशन आएगा ग्राफ में क्वालिटी उतना क्या है उसका कम आएगा, जितना कम अगर जो डेविएशन में आएगा क्वालिटी उसका उतना बढ़िया होगा। अब देखिए यहाँ M30 का क्या है, एक कंक्रीट है इसका दो ग्राफ है, पहला ग्राफ है जो आपका ए है और दूसरा ग्राफ आपका बी है। तो देखिए विद्यार्थी इसमें क्या है डेविएशन या वेरिएशन ज्यादा है और इसमें वेरिएशन क्या है कम है, तो वेरिएशन कम है तो अगर जो पूछा जाए कि क्वालिटी किसका अच्छा होगा तो आपका जो ए ग्राफ है इसका क्वालिटी अच्छा होगा। तो वही चीज यहाँ हम लिखे हैं कि गुड क्वालिटी स्ट्रेंथ क्या होगा आपका ग्राफ जो ए है। उसके बाद देखिए अगर जो डिफरेंट डिफरेंट कंक्रीट रहता है, मान लेते हैं ए बी सी आपका क्या है तीन अलग अलग टाइप का आपका कंक्रीट है, उसका ग्राफ हम यहाँ दिखाएं, तो यहाँ देखिए विद्यार्थी जिसमें ज्यादा डेविएशन रहेगा उसका क्वालिटी उतना खराब रहेगा, जिसमें कम डेविएशन रहेगा उसका क्वालिटी अच्छा रहेगा। तो देखिए सबसे अच्छा क्वालिटी का कंक्रीट क्या होगा ए होगा, बिकॉज इसका डेविएशन कम है। उसके बाद क्या है बी, बी को जो देखते हैं तो सी के डेविएशन से क्या एक कम, यानी कि मीडियम आपका है बीच में, और सी जो है इसका डेविएशन सबसे ज्यादा है इसलिए क्वालिटी इसका क्या सबसे खराब होगा। तो यहाँ देखिए क्वालिटी ऑर्डर हो जाएगा सबसे बढ़िया ए का, उसके बाद बी का, उसके बाद सी का। उसके बाद देखिए विद्यार्थी आपको याद रखना है कि स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कम्स फ्रॉम, यानी कि कंक्रीट में जो स्ट्रेंथ आता है वो कहाँ से आता है, तो सबसे पहला फैक्टर इसका है प्रोपोर्शन से, कि प्रोपोर्शन में किस प्रकार से सीमेंट सैंड और कोर्स एग्रीगेट मिलाया जा रहा है, जैसे M10 है, M15 है, M20 है, तो यहाँ पर बोला जाए तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसका है तो M20 का है। उसके बाद देखिए सेकेंड आपका वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर और सीमेंट का रेशियो किस प्रकार हम मिला रहे हैं उससे आपका क्या है स्ट्रेंथ वेरी करता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका क्या है प्रॉपर क्यूरिंग, क्यूरिंग का मतलब क्या होता है तराई मतलब पानी देना। उसके बाद देखिए फोर्थ पॉइंट क्या है टाइम बिटवीन मिक्सिंग एंड प्लेसमेंट, कि हम कंक्रीट बना लिए और कितना देर के बाद इसको हम प्लेसमेंट कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है आपका कंक्रीट। तो आपको ध्यान में रखना है कि स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कम्स फ्रॉम ये सब फैक्टर आपका जो है इससे आपका क्या है कंक्रीट का स्ट्रेंथ वेरी करता है। उसके बाद देखिए विद्यार्थी आपको ध्यान में रखना है कि इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है आपका 30 मिनट होता है और फाइनल सेटिंग टाइम इसका जो होता है वो 10 घंटा होता है। उसके बाद देखिए क्या लिखिए विद्यार्थी आफ्टर 30 मिनट इट विल स्टार्ट टू लूज इट्स प्लास्टिसिटी, यानी कि अगर जो 30 मिनट के बाद स्ट्रेंथ देखा जाए तो उसका क्या है लूज होगा, यानी कि वो प्लास्टिसिटी खो देगा, उसको किसी दूसरे प्रकार में मोल्ड करना क्या होगा उतना कठिनाई होगा। तो उसके बाद देखिए विद्यार्थी क्या है टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कंक्रीट में स्ट्रेंथ कितना प्रकार का होता है, इसमें क्या क्या लिखे हैं कंप्रेसिव, कंप्रेसिव मतलब समझ रहे हैं कंप्रेस करना, फ्लेक्चर मतलब क्या है बेंडिंग, यानी कि इस पर अगर जो लोड आएगा तो ये नीचे कितना बेंड कर रहा है उसको बोल रहे हैं। उसके बाद क्या है स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग मतलब टूटना, डायरेक्ट मतलब क्या है कि ये जो आपका मान लीजिए कंक्रीट है तो इसको अगर जो खींचेंगे तो यहाँ पर जो आपका स्ट्रेंथ आएगा वो आएगा डायरेक्ट स्ट्रेंथ। अगर जो ऑर्डर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कौन सा स्ट्रेंथ होता है तो आपको ध्यान में रखना है कंप्रेसिव, उसके बाद फ्लेक्चरल, उसके बाद स्प्लिटिंग, उसके बाद आपका होता है डायरेक्ट। इसको शॉर्ट में याद रखना है CFSD। अब देखिए विद्यार्थी इधर जो आपको बताए थे FM, एफ एवरेज और एफ सी के आपको तीनों समझाते हैं विद द हेल्प ऑफ वन क्वेश्चन। मान लेते हैं कि मेरे पास जो है M30 का क्या है कोई कंक्रीट है। अब आपको यहाँ क्या क्या निकालना है विद्यार्थी, पहला निकालना है एफ सी के, दूसरा निकालना है एफ एवरेज और उसके बाद निकालना है एफ एम। तो देखिए एफ सी के तो विद्यार्थी यहाँ सिंपल है, जो यहाँ दिख रहा है वही आपका हो जाएगा एफ सी के। उसके बाद एफ एवरेज निकालना है, तो एफ एवरेज के लिए क्या बताए थे कि एफ सी के प्लस 0.82 और कितना था फॉर्मूला में 825 0.825 इंटू
सिग्मा। तो देखिए एफ सी की इसका कितना है 30 है प्लस 0.825, और सिग्मा के वैल्यू 30 के लिए, 30 के लिए आपको बताए थे कितना 5, तो यहाँ सिग्मा का वैल्यू 5 रखेंगे जो वैल्यू आ जाएगा आपका एफ एवरेज का आ जाएगा। उसके बाद देखिए एफ एम निकालना है, तो एफ एम बराबर क्या बताए थे एफ सी के और प्लस 1 कितना था 65 इंटू सिग्मा। यहाँ देखिए एफ सी के का वैल्यू आपका निकला हुआ है 30, तो 30 और प्लस 1.65 इंटू सिग्मा का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, यही जो आपका वैल्यू आ जाएगा वही एफ एम का आ जाएगा। तो देखिए विद्यार्थी यहाँ जो जो आपको बताए हैं टारगेट मीन स्ट्रेंथ उसके बाद एफ एवरेज इसका फॉर्मूला क्या होता है इसको आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज ये सब ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट रूप से पूछा जाएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है विद्यार्थी आज का वीडियो लेक्चर यहाँ स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कंक्रीट मिक्सिंग जिसमें आपको बताएंगे नॉमिनल मिक्सिंग और डिजाइन मिक्सिंग क्या होता है। आज के वीडियो लेक्चर में आपको कहीं डाउट है तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम आपके डाउट को दूर करने की कोशिश करेंगे। आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में करके बताएं। अगर जो मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें और इसको लाइक करें। थैंक यू।